अब देखिए एक प्रॉब्लम है, इसमें प्रोफाइल क्या है आपका, पाराबोलिक प्रोफाइल है, स्ट्रेट लाइन टेंडर नहीं है। स्ट्रेट लाइन रहेगा तो आपको पीई बाय जेड स्ट्रेस अगर निकालना वो इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर प्रोफाइल आपका पाराबोलिक रहे तो प्री स्ट्रेस की वजह से जो कंक्रीट में टेंशन हो गया कहाँ पे, मिडिल में होगा। अगर इनवर्ट निकालना तो पी बाय ए होगा, तो मिडिल में निकालना है मैक्सिमम स्ट्रेस। एक्सट्रीम जो स्ट्रेस होगा वो हमेशा मिडिल में निकलेगा, टॉप और बॉटम से, ऐसा नहीं इन पर निकलेगा। इन पर अंदर सिर्फ पी बाय ए, पी बाय जेड आप लोग लास्ट वीडियो में देखे, रोल नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद एक प्रॉब्लम बना लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फिगर बिलो शोज ए प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम। प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम लिखा हुआ, प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम प्रोवाइडेड विथ ए टेंडन हैविंग पाराबोलिक प्रोफाइल। कौन सा प्रोफाइल, इसमें पाराबोलिक प्रोफाइल है, बता दी ये पाराबोलिक प्रोफाइल है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। इफ द टोटल लोड इंक्लूडिंग सेल्फ वेट, टोटल लोड सबको दे दिया ऑन द बीम, कितना है 35 किलोन्यूटन पर मीटर दिया हुआ, 35। अगर सेल्फ वेट इंक्लूड नहीं रहता तो सेल्फ वेट इसको निकालते गामा इंटू वॉल्यूम से जो भी यूज किए, और गामा हमेशा यूनिट वेट क्या होगा इसका, 24 लेंगे, 24 इंटू बी डी करेंगे, लेंथ को 1 मानेंगे तो मीटर में, उसको इसमें इंक्लूड कर देंगे, द टोटल वेट निकल गया। ऑन द होल स्पेन पर कैलकुलेट द एक्सट्रीम स्ट्रेस, एक्सट्रीम कहाँ निकलता है, हमेशा मिड पॉइंट पर निकलेगा, मिड पर यहाँ पर निकलेगा। फॉर द मिड स्पेन सेक्शन टेंडन कैरीज ए प्री स्ट्रेसिंग फोर्स दिया हुआ, ये पी का वैल्यू दिया हुआ है, जो हम लोग पहले बताए थे पी क्या होता है, ये जो पी है ना यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है। अब तो ये सिम्पसन दिया हुआ क्वेश्चन, और इसका क्रॉस सेक्शन भी दे दिया 400 mm बाय 600 mm, इसका दे दिया पूरा का, है ना क्रॉस सेक्शन। अब क्या है, रेक्टेंगल है, जब रेक्टेंगल हो गया तो आई एक्सिस को निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, और जेड निकालना भी कोई जिक्र, आई एक्सिस में तो वाई बार क्या हुआ, डी बाय टू, जब सोल्व करेंगे डायरेक्ट बी डी क्यू बाय सिक्स, बी डी स्क्वायर बाय सिक्स, जेड क्या हुआ बी डी स्क्वायर, टॉप और बॉटम सेम रहेगा, रेक्टेंगल है। तो अगर आई सेक्शन रहेगा, शुरुआत में बताया जाए आई से कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन भर गया, अनसिमेट्रिकल रहेगा तो टॉप बॉटम दोनों निकालना पड़ेगा, सिमेट्रिकल रहेगा तो ये काम बच गया आई सेक्शन का, लेकिन वाई बार का आपको निकालना पड़ेगा, कैसे, एरिया मोमेंट यूज करके, बस वही चीज है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या करेंगे, एरिया निकालें, एरिया जरूरत पड़ता है हम लोग को, तो पहले क्या करेंगे यहाँ पे एरिया निकालिए, कोशिश समझ में आ गया क्या करना था, प्री स्ट्रेस निकालना है मिड स्पेन पर, और प्रोफाइल क्या पाराबोलिक, लेंथ देखिए 6 दिया और डीप भी दिया हुआ, इसमें डीप कितना है देखिए फिगर दिया हुआ 100 mm है, मीन्स 0.1 मीटर, फोर्स दिया हुआ है सब आप बताया था, यूडीएल कौन से पता है, पहला स्टेप क्या है कि एरिया हम लोग यूज करेंगे, एरिया ऑफ बीम ए क्या होगा 400 × 600, क्या होगा तो मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा 400 बाय 600, इसको अब मल्टीप्लाई कीजिए, हम भी चेक कर लेते हैं, 4 × 6 = 24, कितना जीरो निकलेगा 4 जीरो, 4 जीरो दे दिए, किसमें आएगा mm स्क्वायर में, पहला स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये निकल गया मेरा इतना, देखो कोई दिक्कत नहीं है, ये कहानी हो गई पहला स्टेप। सेकेंड में देखिए सेक्शन मॉडुलस निकालना है जेड, तो जेड का क्या फॉर्मूला, आई एस बटा वाई, एग्जाम में सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला ये लिख लीजिए एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं, बी डी स्क्वायर बटे 6 तो लिखने को जरूरत नहीं है, जब ये रेक्टेंगल आएगा बी डी स्क्वायर बटे 6 बी, जो डी क्या होता है जो कटता है, तो इसमें क्या कटता है, इसमें ये कट रहा है, जो कटता है साइड उसी को बोलते, कट गया जो कटा वही डी हो गया भैया, ये हुआ पूरा डी, ये होता बी, जो कटा उसी का क्यू करते हैं, तो यहाँ पे BD^12 आई एक्सेस हो गया वाई बार डी बाय टू, सॉल्व करने डायरेक्ट ये बी डी स्क्वायर 6 तो 400 × 600 का होल स्क्वायर, 600 का होल स्क्वायर, ठीक है, और 600 का होल स्क्वायर बटे 6, इसको सॉल्व कीजिए 600 से खत्म, कैंसिल, ये क्या 100 हो गया, 100 600 24 पर,
कितना जीरो, देखो दो जीरो यहाँ, दो जीरो चार और दो छः, 24 × 10^6 है, 7 कर दीजिए तो 2.4 × 10^7 क्या हुआ, एमएम क्यूब आएगा, मीटर एमएम 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 क्यूब डिवाइड बाय, ठीक है क्लियर यहाँ तक। अब देखिए अब इसमें यही कॉन्सेप्ट क्या, एज वी नो यहाँ सर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ऑफ द सिंपली सपोर्टेड आर्च में क्या होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 एच बता दिए, तो वही आगे कॉन्सेप्ट एच या पी क्या होगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका काम करेगा। यहाँ पे सिमिलरली वी कैन अप्लाई यूडीएल लोड इन प्री स्ट्रेस बीम हैविंग पैराबोलिक प्रोफाइल, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा पिछले का वीडियो देखिए, पार्ट वन पार्ट टू करके देखिए प्रोफाइल का, तो इसी में हम लोग करते हैं ये इसकी, अब ये जो लोड होता है सॉरी ये लोड ऐसे नहीं यूज करके, बस थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, इसको हम सुधार कर लेते हैं, ये लोड समझिए अपर काम कर रहा है लेकिन ऐसे नहीं काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है भैया, तो ये काम कर रहा है जैसे पैराबोलिक में काम करता है, बस यही थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लेना है, ये प्रोफाइल है लेकिन लोड जो अप्लाई होगा आपका ये ले लीजिए लाइन, ये ले लीजिए यहां से ये लाइन ले लीजिए, बस ले लिए। अब इसमें क्या कर रही है कि बस यूटिलाइजेशन, इस टाइप से स्टेप सीरियल हो गया। अब ये जो होगा बस इसी का खेल यहाँ पर, यही नेट निकालना है, ये अगर डब्ल्यू निकल गया तो इसका डब्ल्यू क्या 8 PH/L2। अब इससे हम लोग निकाले सब दिया हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया हुआ का 8 P दिया 1000 kN में है और H डीप हो गया 0.1 मीटर हो गया, आपका 0.1 मीटर या 100 दिया हुआ था ये, 6 × L² हो गया, कैलकुलेट कीजिएगा 22.22 kN/m आएगा, कहाँ अपवर्ड की ओर, अब बीम में लाइव लोड दिया हुआ, टोटल लोड, लाइव लोड नहीं है ये कर दीजिए टोटल लोड, टोटल टोटल इसको शॉर्टकट लिख देते हैं टोटल लोड, टोटल लोड टोटल लोड हो गया लोड, ठीक है ऑन बीम 35 दिया क्वेश्चन में, डोंट वर नेट निकालना है तो नेट निकाल माइनस कर दिए तो 12.735 − 22.25 तो क्या होगा डाउनवर्ड 12.75 निकल गया। अब मूवमेंट ड्यू टू द नेट डाउनवर्ड फोर्स डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 किए, ये हो गया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 तो 12.786² मतलब कितना निकल गया। अब एक्सट्रीम निकालना, बताया था एक्सट्रीम स्टेज है मिड स्पीड में क्या होगा, पी बाय ए तो रहेगा, पी बाय ए रहेगा यहाँ पे है ना, अब प्लस ऊपर रहेगा तो एम एल बाय जेड, एम एल नहीं यहाँ देखिए इसमें लिखिए इफेक्टिव नेट हो जाएगा यहाँ पे नेट, क्योंकि नेट निकाल चुके हैं ये हुआ नेट, ये कर गए हैं, फॉर्मूला यूज कीजिए पी 1000 kN है 10^6 1000 × 10^3 डिवाइड बाय एरिया 24/40 प्लस एम क्या 57.51 × 10^6 हो गया क्योंकि किलो न्यूटन मीटर में था, सो चेंज कर दिया न्यूटन पर यूनिट में और जेड का 2.4 × 10^7 सॉल्व कीजिएगा, ये होगा 4.17 और ये 2.4 कैलकुलेट देख कैलकुलेशन देख लीजिएगा सही से, जोड़ने के बाद 6.57 N/m। अब उसे बॉटम निकालना है माइनस कर देंगे, इसका वैल्यू वही आया था माइनस करेंगे यहाँ पे बॉटम में और पी बजट करो यहाँ पर नहीं रहेगा तो 1000 × 10^ जो भी आर वैल्यू आ रहा है इसका वैल्यू सेम 4.17 − 2.4 माइनस करने पर 1.77 बस। अब लास्ट में डायग्राम बनाना मत भूलिएगा, डायग्राम बनाना पर यही चीज है, डायग्राम यहाँ पर ये बनेगा, ये पैराबोलिक का था, अब ये जो है डायग्राम यहाँ बनेगा ऊपर के ना 6.57 न्यूटन
पर एमएम स्क्वायर, नीचे में 1.77 न्यूटन दोनों कंप्रेशन में, और प्रोफाइल जो बनेगा यहाँ पे ऐसे नहीं बनके, सॉरी ये बनेगा ऐसे करके, और फिर टेंडर इसे डाल दीजिए, टेंडर इसे डाला है बस हो गया, टेंडर डाल गया वही यूज कर दिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर प्रोफाइल का, अगर टेंडर प्रोफाइल रहेगा थ्योरी पूछ सकता है, प्रोफाइल अगर पैराबोलिक रहेगा स्ट्रेट लाइन रहेगा तो कैसे स्ट्रेस का एनालिसिस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हैं। उसी टाइप से सेम क्वेश्चन नंबर थ्री है, डिस्कस यहाँ करते हैं कि डिटरमाइन द प्रोफाइल ऑफ ए लोड बैलेंसिंग केबल। बैलेंसिंग में क्या हुआ कि एक्सटर्नल जितना लग रहा उतना आपका प्री जो हम लोग अपवर्ड निकाले वो बराबर हो जाएगा, और कोई अंतर नहीं, यही बोला यहाँ पे बैलेंसिंग केबल। क्या हुआ बैलेंसिंग केबल, बैलेंसिंग केबल जब लिखा रहे हैं जो भी अपवर्ड था किसकी वजह से लोड और डाउनवर्ड दोनों बराबर हो जाएगा, ये डाउन लोड डाउनवर्ड टोटल दोनों बराबर कर दीजिए बस हो गया, टोटल वेट बराबर ये हो किसके थ्रू प्री स्ट्रेसिंग की वजह से, प्री स्ट्रेसिंग की वजह से दोनों बराबर कर, बैलेंसिंग वो केवल ऑफ फॉर ए बीम ऑफ स्पेन 6 मीटर स्पेन एल दिया हुआ है कैरिंग एक ऑल इंक्लूसिव लोड 40 किलो पर मीटर दिया हुआ है, लोड दिया हुआ है, द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इन द टेंडन 1200 किलोमीटर दिया हुआ, तो बीम सेक्शन में साइज 400/600 दिया हुआ, बस सिंपल से निकालना क्या हम लोग निकालना है, लोड निकालना है कौन सा, वही जो टोटल बैलेंसिंग केबल पर कितना लोड पड़ा ये लोड पी का मान निकालना है, क्या निकालना है पी का मान, बस हो गया। अब देखिए लेट द डीप ऑफ द केबल बी एच मीटर, प्रोफाइल निकालना नहीं सॉरी डिटरमाइन द प्रोफाइल ऑफ द लोडिंग, प्रोफाइल कैसे निकलेगा एच का मान निकाल दे, सब लोड सब दिया हुआ है एच का मान निकाल, आप लोग अपवर्ड प्रेशर प्रोवाइडेड बाय द पैराबोलिक केबल, पैराबोलिक केबल ऊपर लोड कितना प्रोवाइड कर रहा है, फॉर्मूला क्या 8 PH/L² बताए थे, ये कहाँ से आएगा, ये आपका आएगा अपवर्ड प्रेशर निकालना है ना, अपवर्ड प्रेशर या यहाँ लोड UDL में प्रेशर लिखा हुआ पर मीटर में यही हुआ, W का मान होगा W, बस एच पी आपको क्या होगा WL² / 8 PH/L² के सब का, तो ये निकल किलो पर मीटर, ये पी दिया हुआ 1200 किलोमीटर एच मीटर मान लीजिए, ये मीटर में दिया हुआ, दिस अपवर्ड प्रेशर मे बी फुल्ली बैलेंस बाय एक्सटर्नल लोडिंग, तो जितना लोडिंग दिया 40 किलो न्यूटन 40 किलो न्यूटन पर मीटर में दिया हुआ, बस अब यूज करके हमको एच निकाल लिए और यही प्रोफाइल निकाल लिया, कितना सिंपल क्वेश्चन है, एच का मान प्रोफाइल का मान क्या हुआ कितना डीप होगा, ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन प्रोफाइल का आराम से बना सकते हैं, बस और तो कुछ है नहीं, अगर डिफरेंट को तो एक क्वेश्चन और पूछने का चांस है, ये पूछने का चांस है, इसमें भी सिंपल है आपको एनालिसिस पार्ट होना चाहिए। अब इसमें क्या कर दिया प्रोफाइल को इस स्टेप से बनाया स्टेट है, अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कर दिया कि यहाँ से आपका प्रोफाइल गया स्टेट लाइन फिर इनक्लाइन गया यहाँ पे, इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा डिटेल से कैसे बनाया गया इसको, ठीक है, और एक क्वेश्चन ये बताया गया है, दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो।